विच इज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि आपको कनाडा जाने के लिए इनविटेशन मिलेगा या नहीं। गाइस आज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आपको कैसे आपका सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1200 पॉइंट्स का स्केल है जिसमें पॉइंट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज मीन्स आईएलटीएस एंड जॉब ऑफर। अब जो सीआरएस स्कोर आपका बनता है इन सारे फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट करने पे, तो कनेडियन इमिग्रेशन उसे यूज करती है आपको रैंक करने के लिए इन एक्सप्रेस एंट्री पुल में। उसके बाद जब गाइस आप एक्सप्रेस एंट्री पुल में वेट कर रहे होंगे इनविटेशन के लिए, तो जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो हर महीने 2 ड्रॉज निकालती है और उस एक ड्रॉ में वो 3900 पीपल्स को इनविटेशन देती है। ठीक है, तो ये इनविटेशन उन लोगों को मिलता है जिनका सीआरएस स्कोर मैच करता है कनेडियन गवर्नमेंट के सीआरएस ड्रॉ से। तो गाइस नाउ आई विल बी शेयरिंग द सीआरएस स्कोर दैट वी गॉट। फर्स्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट टू कैनेडा, दैट इज www.canada.ca। गाइस ये उनकी गवर्नमेंट साइट है, तो आप इसको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर जाके गाइस आपको सिंपल सा इमिग्रेशन एंड सिटीजन वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस दी है इसमें आपको इमिग्रेट का ऑप्शन लेना है। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री वाला ये वाला ऑप्शन आपको ले लेना है। उसके बाद अगेन जो आगे पेज खुल रहा है गाइस, उसमें यहाँ सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन वाले में जो हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स है वो वाला आपको ऑप्शन लेना है। उसके बाद ये नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको स्क्रीन, और जो थर्ड ऑप्शन दिया है सबमिट योर प्रोफाइल, इस पर यहाँ पे ऑप्शन है चेक योर स्कोर। तो यहाँ से हमें आगे टूल मिलेगा इसका जिससे हम अपना सीआरएस स्कोर चेक कर सकते हैं। गाइस ये जो टूल है हमने यहाँ पे दे रखा है, इस पर हम चेक करेंगे कि हमारा एक्चुअल सीआरएस स्कोर बनता क्या है। What is your marital status? तो guys यहाँ पे जो भी आपका marital status है वो आपको डालना है। मेरे केस में यहाँ married है तो मैं ये married डाल रही हूँ। Is your spouse or common law partner a citizen or permanent resident of Canada? अगर आपका spouse permanent resident of Canada है और citizen है तो आपको yes करना है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको no करना है। तो हमारे केस में ये नहीं है। Will your spouse or common law partner come with you to Canada? आपको वो अगर कंपनी दे रहे हैं आपके स्पाउस पीआर प्रोसेस में तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हो वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो आपको अकेले के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, लेकिन मेरे केस में यस है तो मैं यस करूँगी। हाउ ओल्ड आर यू, आपको यहाँ पे एज डालनी है एग्जैक्ट गाइस, क्योंकि ये हमारा स्कोर कैलकुलेट करेगा, और ये एज डालनी है मेन एप्लीकेंट की। सॉरी, उसके बाद आपको स्क्रीन डाउन करके व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, एंटर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच यू वांट। गाइस यहाँ पे आपको वो एजुकेशन डालनी है जो आपने खुद की कंट्री में यहाँ पे लिया है, तो आपको यहाँ पे डालनी है मास्टर्स डिग्री, क्योंकि हमारे केस में मास्टर्स है। आपको अपने केस का देख लेना है जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी और आपने उसका ECA करवाया हुआ होगा, जो भी कनेडियन गवर्नमेंट आपको देगी वो यहाँ पे पुट करना है जो आपकी ECA रिपोर्ट पे होगा। हैव यू अर्नड अ कनेडियन डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, अगर किसी ने कनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया है तो यहाँ पे यस करेगा, अगर किसी का नहीं है तो नहीं, हमारे केस में नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो गाइज यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज टेस्ट है, सपोज IELTS, आर योर टेस्ट रिजल्ट लेस देन 2 ईयर ओल्ड, तो जो IELTS है उसका एक एक्सपायरी डेट है, मतलब कि उसकी उसमें 2 साल पुराना, वो ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको अगेन टेस्ट में बैठना पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी यहाँ पे आप लोगों को यस ही करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कोर काउंट करना है, तो हमारा जो है 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा दिया है। हमने यहाँ IELTS देना है तो हम IELTS पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, फिर आपको स्क्रीन डाउन करके, सॉरी ये स्क्रॉल करके
आपको यहाँ पे अपना अज्यूम कर लेना है अभी कि अगर हम आइलेट्स में इतना लेते हैं तो हमारा स्कोर क्या बनता है। एंटर योर टेस्ट स्कोर। स्पीकिंग में सपोज करो कि हम लोग 7 ले रहे हैं, लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7, राइटिंग में गाइस मैं यहाँ 6.5 दूंगी क्योंकि 6.5 फिर भी कोई ले ले लेकिन 7 पॉइंट्स लेने में काफ़ी टाइम लगता है तो हम यहाँ 6.5 ले लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 7 लिखती हूँ तो ये CLB 9 का स्कोर बन जाएगा जो कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ 6.5 लेके चलते हैं। डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट? तो गाइज हमारे केस में यहाँ कुछ नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज गाइज कई लोग फ्रेंच भी देते हैं तो हम नॉट एप्लीकेबल करके चल रहे हैं यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे आपको इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्टेड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव? तो गाइज हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम यहाँ पे नन लेस देन अ ईयर ये ऑप्शन लेना ही होता है तो हम इसको यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे नो का कोई और ऑप्शन नहीं है। इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मैनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरन स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव? अब गाइज ये फॉरन स्किल वर्क एक्सपीरियंस वो होगा जो आपकी खुद की कंट्री का है, तो अगर आपका 1 ईयर का है तो ये डाल सकते हो, 2 ईयर एंड 3 ईयर और मोर, इससे ज़्यादा की यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो 3 ईयर वाले को, 5 ईयर वाले को, 8 ईयर वाले को सेम वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ सेम स्कोर मिलेगा, तो हमारे केस में 3 ईयर डाल रही हूँ मैं। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कनेडियन प्रोविंस? तो ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है कनाडा से तो हम यहाँ नो करेंगे। नेक्स्ट गाइस पॉइंट है, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर? अगर किसी के पास वैलिड जॉब ऑफर किसी प्रोविंस से है तो यस करेगा वो यहाँ पे, तो उसको एडिशनल 200 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हमारे केस में नो है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस? तो गाइस हमारे केस में तो नहीं है, ये PNP का एक ऑप्शन है, अगर आपके पास प्रोविंस से नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस कर सकते हो, हमारे केस में नो है तो हम नो करेंगे। और वैसे भी PNP से अगर नॉमिनेशन मिलता है तो यहाँ पे एडिशनल 600 पॉइंट मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी तो हमारे पास नहीं है। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इफ दे विल कम विद यू टू कैनेडा हैव एटलीस्ट 1 ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा हु इज सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट? तो यहाँ पे गाइज वो बताया है कि हमारा ब्लड रिलेशन का कोई वहाँ पे अगर है तो हमें एडिशनल पॉइंट मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्लड रिलेशन का होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई रिलेटिव को आप बोल रहे हो, तो हमारे केस में ये नो है। विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ विच योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैज? अब यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का हाइएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन डालना है जिसका आपने ECA करवाया है, तो मेरे केस में ये मास्टर्स है। इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैज? तो गाइज यहाँ पे मेरे केस में कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे हम नन लेस देन ईयर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। डिड योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर टेक अ लैंग्वेज टेस्ट? तो गाइज मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आपका जो स्पाउस है उसे IELTS जरूर देना चाहिए क्योंकि हम अपने यहाँ पे मेन एप्लीकेंट को अच्छा स्कोर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे IELTS टेस्ट जरूर दें अपने अपने स्पाउस को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से अज्यूम करके चलते हैं कि अगर स्पाउस इतना स्कोर लेता ही है या लेता है तो कितना सीआर स्कोर पे फर्क पड़ता है, तो हम लेके चलते हैं कि चलो स्पीकिंग में ले लेते हैं कम स्कोर लेके यहाँ पे चलते हैं 6.5, लिसनिंग का 8 क्योंकि ये काफ़ी इम्पैक्ट डालता है स्कोर पे, तो यहाँ पे लिसनिंग का कोशिश करो 8 लेने का और रीडिंग में भी 7 लेने की कोशिश करो, लेकिन राइटिंग टफ है तो हम यहाँ पे चलो 6 मान के चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट योर स्कोर, यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन है, आपको कैलकुलेट करना है अपना स्कोर। गाइस नीचे अब इन्होंने जो रिजल्ट दिया है ये जो हमने ऊपर अभी जो भी इन्फॉर्मेशन दी है इसके बेस पे ये रिजल्ट इन्होंने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे सारा अकॉर्डिंग टू योर एज लेवल ऑफ एजुकेशन सारा कुछ जो भी है इन्होंने लैंग्वेज का मिला के, अब देखो सर, अब देखो गाइस यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज के 109 स्कोर दिया है, लेकिन वो 6.5 अगर मैं मेन एप्लीकेंट के पास 7 कर दूँ तो वो CLB 9 का स्कोर होगा। अगर 6.5 की जगह 19 वहाँ पे मैं 7 स्कोर डाल दूँ तो यहाँ पे 116 का स्कोर मिलेगा जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा पूरे CR स्कोर पे। अब ये स्पाउस फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब मैंने मास्टर्स से अपने 10 का स्कोर कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अगर मेरी बैचलर्स होती तो यहाँ पे मैं 8 स्कोर फिर भी देती, ये मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज से यहाँ पे जो मैंने टेस्ट दिया IELTS का उससे 16 पॉइंट ये मिले हैं, तो यहाँ पे 26 का स्कोर एक स्पाउस अपने मेन एप्लीकेंट या अपने हस्बैंड को यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है,
ये सब कुछ यहाँ पे आपने चेक कर लेना है किस तरह से आपको स्कोर मिला है। तो यहाँ 401 का स्कोर इन्होंने हमारा ग्रैंड टोटल दिया है, जो कि आजकल के कट ऑफ स्कोर से बहुत ज़्यादा लो है। आजकल जो सीआर स्कोर का कट ऑफ निकल रहा है, ड्रॉ निकल रहे हैं, वो 480 475 इस तरह का निकल रहा है। तो ये इम्पॉसिबल है कि एक्सप्रेस एंट्री से नॉर्मली आपको इन्विटेशन मिलना। तो यहाँ पे गाइज हमारे लिए पीएनपी ऑप्शन बेस्ट है। तो आपको देखना है कि आपकी एनओसी के हिसाब से कौन सा प्रोविंस आपके लिए बेस्ट है जो आपको पीएनपी दे सकता है, ठीक है गाइज। लेकिन 401 अब यहाँ पे स्कोर है। अब आप देखना, अगर मैं वहाँ पे मेन एप्लीकेंट का राइटिंग में 7 अगर वहाँ पे कर देती हूँ तो स्कोर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ ये मेन एप्लीकेंट का आईलेट्स का स्कोर है। अब राइटिंग में यहाँ पे अगर मैं 7 कर देती हूँ तो ये जो स्कोर अभी आपको यहाँ दिख रहा है ये CLB 9 है। तो CLB 9 अगर कोई मेन एप्लीकेंट लेता है विथ मास्टर्स, तो गाइज अब उसका स्कोर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चेंज करने के बाद अगेन कैलकुलेट योर स्कोर पे क्लिक करना है। अब आप नीचे जाके स्कोर चेक करो। तो गाइज ये 458 का स्कोर यहाँ पे हमारा बन जाता है अगर मेन एप्लीकेंट CLB 9 ले लेता है विद मास्टर्स। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।